हाउ इज़ इट गोइंग गाइस। तो मैं नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो इस गेम में मैं डेलफॉक्स खेलने जा रहा हूँ। मैं हमेशा डेलफॉक्स में तुम लोगों को जंगल करके दिखाया हूँ कि कितना ब्रोकन पोकेमोन है ये, बट आज मैं लेन में इसको खेलने जा रहा हूँ। देखना इसका लेनिंग फेस कितना ख़राब रहता है, इसलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ कि जंगल में खेलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहे। यहाँ पे मेरा टीटार जा रहा है जंगल, सो टीटार भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। अगर जंगल में वो अच्छा से कर लेता और अच्छा लेनिंग भी कर लेता है पहला गैंग को और बड़ा हो जाता है वो पहला ऑब्जेक्टिव से पहले, तो खतरनाक ही हो जाएगा। लेकिन चलो हम लोग इस बार डेलफॉक्स को देखते हैं कैसा कैरी करने पाता है ये टॉप लेन में। इस बार मेरे साथ भाई गेंगार है लेनिंग पार्टनर। देख रहे हो गेंगार एक चीज लेने हमको नहीं दे रहा है क्या ही बताए भाई, सोलो क्यों में लेनर पार्टनर सब ऐसा ही मिलता है जो तुमको कुछ लेने नहीं देगा। लेकिन कोई बात नहीं, किल्स निकालता है, ठीक है भाई। हम बता रहे हैं ऐसा सेल्फिश प्ले करके कोई फायदा नहीं है, देखना हम ही को कैरी करना पड़ेगा लास्ट में। चलो कोई बात नहीं, ये वाला कम से कम बनी मिल गया, अगर स्कोर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भाई यहाँ पे देख रहे हो एप्सोल है, एप्सोल के सामने भाई स्कोर सब करना बहुत ख़राब चीज़ है कि पता नहीं चलता है भाई कब ये वन शॉट कर देता है। यहाँ पे उसको टारगेट करता रहता लेकिन मैं इधर बनी के ऊपर ध्यान देते रहता क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ नहीं कर सकता हूँ वहाँ पर। देख रहे हो एकदम लेन में बहुत ख़राब है भाई ये पोकेमोन, लेकिन ये लोग ओवर एक्सटेंड करने के चलते हम लोग को केस दे देता है यहाँ पे। इसको भी निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये भी गया लेकिन साथ में हम लोगों का गेंगार भी मर जाता है, कोई बात नहीं। अब चलो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं मिडिल वाला बीज क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। हमको सोलो बीज मिल जा रहा है तो मैं थोड़ा सा तो लेवल अपना रिकवर कर लूँगा स्टार्टिंग का गेम के हिसाब से। यहाँ पे भाई एप्सोल वापस आ जाता है, मैं यहाँ पे कैसे भी करके भाई लेवल 6 होना है हमको। लेवल 6 पहुँचने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हूँ और देखता हूँ क्या हो रहा है। उसके बाद मैं टॉप ऊप का बनी तो ले रहा हूँ कैसे भी करके, लेकिन भाई बहुत एप्सोल भाई डैमेज देता है खतरनाक, और ये मेरे से भाई इजेक्ट उजेक्ट बटन दबा के भी निकल जाता है। मुझे अच्छा से यहाँ पे खेलने नहीं बन रहा है, हमको लग रहा है हमको एक दो जंगल लेना पड़ेगा। सॉरी भाई टीटार, अब क्या बोले, हमको लेवल 6 बहुत ज़रूरी है, अगर तुम नहीं लेने देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे ये अच्छा प्ले तो नहीं है बट मुझे लेना पड़ा था। और चलो हम लोग नीचे वाला भी चलते हैं, एक बफ और ले लेंगे उसके बाद, क्योंकि भाई देख रहे हो एकदम गेंगार मेरे साथ क्या बोले हमको एकदम फार्म नहीं लेने दिया था। फार्म हम नहीं था भाई तो हम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और यहाँ पर देखना ये तुम्हारा हीलर खेल रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है। इसका गेम प्ले देखना, ये हमको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम लोग निकाल ही लिए, यहाँ पे 4 में नीचे है, सो अरे भाई सब पाँचों के पाँचों नीचे ही आ गए, क्या बात है। और चलो अगर नीचे आए तो भाई फ़ायदा उठाना चाहिए इसका, कैसे करके भी यहाँ पे KO निकालना है और जीतना है। अगर KO सब नहीं निकालने पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 5 में यहाँ पे लेंथ थ्रो करेंगे, यहाँ पे 20 भी लगभग हम लोग को सारा मिल जाता है। उसके बाद अरे भाई ये SPM भाई बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड पोकेमॉन है, क्या ही खतरनाक डैमेज दे रहा है। देख लो एकदम 70% मेरा हेल्थ खा लिया था, अरे यार मैं क्या है वापस आया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मर गया यहाँ पे। कोई कोई थ्रो मूवमेंट तो मेरा भी है, हम क्या बोले जस्ट लाइक यहाँ पे हमको पीछे से खेलना चाहिए था लेकिन हम आगे आ गया था। यहाँ टीटार मेरा अपना बड़ा हो रहा है, अच्छा बात है, अब हो ही जाएगा थोड़ा सा लेट। हमको लेवल 7 इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि भाई टीटार हम जानते हैं लेवल 9 नहीं पहुँचने पाता अभी तक, समझ रहे हो। अगर पहला रेजी से पहले कोई कैरी पोटेंशियल वाला पोकेमोन लेवल अप नहीं होता है तो बहुत ही ख़राब रहता है, हलों को ये लोग ईजी तोड़ देता है। और मैं भी एकदम लेवल 6 तक एकदम यूजलेस था। उसके बाद लेवल 7 आया है तो मेरा तो आ गया अच्छा खासा। अरे यार ये SPM खतरनाक हमको एकदम डिफ दे रहा है, लेकिन क्या बोले यार, वालों का बंदा लोग भी अभी फार्म करने पे लगा हुआ है। देख रहे वालों के स्टार्टिंग गेम उतना अच्छा नहीं जा रहा है, सबको ये अभी तक अंडर लेवल है, सबको को फार्म करने वाला पोकेमोन लिया है। अब मैं जानता हूँ कि भाई नीचे वाला फाइट हमको लग नहीं रहा हम लोग जीतेंगे, इससे अच्छा है कि मैं ऊपर वाला ओडिनो लेके हम लेवल अप हो जाते हैं। कम से कम लेवल 9 आ गया तो उसके बाद तो भाई बहुत ज़्यादा ही ओपी हो जाएगा, मेरा अल्टीमेट आ जाएगा। अल्टीमेट खतरनाक है डेलफॉक्स का, एकदम बार बार स्पैम करने बनता है, कैसा भी करके मुझे लेवल 9 चाहिए। वैसे अगर रेजी पुश करवाएगा तो अभी लोगों का चांस है KO देने का, लेकिन ये लोग पुश ही नहीं करवाता है, का ब्रेन वाला गेम खेल रहा है, तो रेजी लेके छोड़ दिया। हम लोगों का भाई टीममेट्स को कभी ऐसा क्यों नहीं अक्ल आता है कि भाई रेजी लेके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है करके, सब रेजी लेके के पीछे पड़ा हुआ रहता है। अभी तक कोई नीचे वाला रेजी भी नहीं लिया है और हम लोग भाई नीचे में अगर फाइट जीत जाता है तो बहुत ही ओपी होगा, लेकिन मेरा पहुंचने तक भाई मेरा टीममेट्स लोग मर जाता है। हमको लग तो रहा है कि भाई यहाँ पे अल्ट चलाना पड़ेगा, अगर अल्ट नहीं चलाएंगे तो भाई बहुत ख़राब होगा। कम से कम एक दो KO भी यहाँ निकाल लेते ना तो मेरा लेवल रिकवर हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे मैं देख रहे हो मेरे अगल बगल कितना बंदा 2 KO निकाल लिया। अरे भाई ये बंदा इजेक्ट मार के कितना खून का प्यासा है भाई, ये लोग थोड़ा सा भी सर्वाइव नहीं करने दे रहा है और अभी तक हम लोग सफ़र कर रहे हैं। देख रहे हो 5 मिनट हो गया और हम लोग कितना ज़्यादा एकदम लीड, एकदम हम लोग से ज़्यादा ही लोग लीड में है। ऑरेंज आ रहा है तुम्हारा एकदम स्ट्रगलिंग, अरे यार गेंगार कैसे भी करके ले लिया खतरनाक।
मैं चलता हूँ एक राउंड और जंगल का ले लेता हूँ। मेन तुम्हारा देखो, तुम अभी तक ठीक है, लेवल 7 में तुम्हारा सेकंड मूव भी आ जाता है डेलफोक से, लेकिन मेन है तुम्हारा लेवल 11 और लेवल 30। इसके बाद तो डेलफोक एकदम ब्लू बफ के साथ अनस्टॉपेबल बन जाता है। चलो हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं, थोड़ा सा भी पुश हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर ब्लास्टोइज गया, उसके बाद ये लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते रहना। आ रहे यार क्या यहाँ पे देख रहे, एक के बाद एक अल्ट आ रहा है भाई, ये लोग का अपना बंदा लोग अल्टी नहीं चला रहा है। देखो क्लिफियबल यहाँ पे कितना मस्त हील दे रहा है, हम लगभग अपना पूरा एचपी में आ गए और ये बहुत आगे आ गया। और यहाँ पे इसका यही थ्रो वाला मूवमेंट था, उसके बाद हम लोग धोके हुए यहाँ मस्त निकाल लिए। अब चलो देखते हैं आगे चलते हैं बेस में भाई अल्टी चला के। अरे यार ये लोग इतना स्मार्ट खेल रहा था ना कि क्या बताया। देखा ये ब्लास्टोइस कितना अच्छा हमको खेला, अब भाई अल्ट चलाने नहीं दिया, मेरा अल्ट कैंसिल कर दिया यहाँ पे ये बंदा। चलो कोई बात नहीं। अरे यार ये भाई खतरनाक ही खेल रहा है, ये लोग देख रहे हो एकदम डोज उज बहुत खतरनाक कर रहा है। यहाँ पे अल्ट तो चलाया हूँ और यहाँ पे भाई बहुत डैमेज भी दे रहा हूँ खतरनाक। लेकिन भाई ओ भाई यहाँ पे एप्सोल सबको वाइप कर दिया यार अपना टीम को, कम से कम चलो एक के ओ तो मैं वापस लेने पाया इससे। भाई एप्सोल एक एचपी में था, मर जाता तो अच्छा था। और क्या ही गैस मारा था देख रहे हो, एप्सोल को खतरनाक ही मारा हुआ यहाँ पे। मैं बस गैस किया था और वो बंदा वहीं पे जाके रिकवर कर रहा था, पीछे जा रहा था अपना, बस क्या ही निकाला। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना बीज लेना स्टार्ट करेंगे, वापस से एक बार अल्ट मार सकते हैं। भाई डेलफोक्स का सबसे मस्त चीज़ यही है कि भाई 3 मिनट में तुम अल्ट मार सकते हो, अगर डेलफोक्स का अल्ट है तो तुम बार बार एकदम स्पैम कर सकते हो, इतना फास्ट ही चार्ज होता है तो क्या बोलो। यहाँ पे चलो ट्राई करता हूँ और एक और बंदा गया और यहाँ पे फिर क्यों निकाल सकता है। यहाँ पे पूछ तो करना अच्छा बात नहीं है क्योंकि हम जान रहे हैं भागने वाले। अरे भाई क्या ही खतरनाक मेरे ऊपर चढ़ा था बट वापस मरा। और ये भाई ये लोग पुश भी करवा दिया, क्या ही खतरनाक है, अगर मेरे को डालने देता तो अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग फिर से अपना लीड वापस ले रहे हैं, उतना तो वापस नहीं करने पाए होंगे लेकिन ये पुश बहुत ही ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा किया है। हम चलते हैं देखते हैं नीचे में डालने मिल जाए तो बहुत अच्छा लगा। रहे यार ये लोगों का टीम भाई एकदम, हमको ये समझ में नहीं आता एनिमी इस लोग का टीम लोग एकदम जाके अपना बेस डिफेंड करते रहता है, एक तो जो बेस रहता है, और मेरा टीम तो कभी ऐसा नहीं करता। अरे ब्लास्टोइस भाई निकलना पड़ेगा इजेक्ट, देख तो इजेक्ट से क्या ही खतरनाक चीज़ है, इजेक्ट बहुत मस्त चीज़ है। यहाँ पे पोक करते रहना पड़ेगा, बीज ले रहा फ्री का बीज तो नहीं लेने देना है। और यहाँ पे एप्सोल को दौड़ाते हैं एप्सोल को। अरे भाई ये गेंगार क्या कर रहा है, अल्ट चला दिया हमको, इसका अल्ट तो क्वेश्चनेबल लग रहा है। लेकिन अगर फाइट हम लोग का लास्ट फाइट तक एक्सटेंड हो जाता है तब हम लोग कुछ करने पाएंगे लग रहा है ना। तो अब भाई अल्ट चलाया है और कोई फ़ायदा नहीं निकालने पाए तो क्या होता है। वैसे यहाँ ब्लास्टोइस भी अल्ट चला दिया, शायद हम लोग निकाल। और यहाँ पे पीछे से मैं दो बंदा को निकाल लेता हूँ, बहुत अच्छा पीछे में जो डैमेज देता है, देखते हो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना खतरनाक कर लगा। अरे यार 50 डालने देना चाहिए था, 100 डला था फर्स्ट वाला में, बट 70 डलाया है सो इतना ख़राब चीज़ नहीं है। हम लोग यहाँ पे मेल्ट करने का दिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अब भाई साहब लगता है कर ही लिया। अरे यार यहाँ अल्ट नहीं चलाने दिया, यहाँ पे लग रहा है सिंडर अपना चुक कर लेगा, हम ट्राई करते हैं सिंडर के साथ और ये भी सिक्योर हो गया। इन लोगों को मौका ही नहीं मिला यहाँ पे फाइट करने का। अरे भाई ब्लास्टोइज अनॉय करके रखा हुआ है यार पूरा मैच में, एट लास्ट मरा यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे देखते हैं अपना टीटार को बुली कर रहा है, ये भी जाएगा और ये गया। भाई इसका शील्ड तोड़ दिया, ये भी नहीं डालने पाएगा। मेरा शील्ड है भाई, मेरा शील्ड बहुत जल्दी टूटता है समझा, इसलिए डर है। कोई बात नहीं, ये लोग आगे में फाइट कर रहा है, ये लोग भी नहीं डालने पाया, 100 गया। यहाँ सिंडर का भी 50 डला जाना चाहिए लेकिन भाई नहीं डालने पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, देखते हैं। और नहीं डालने पाया, क्या ही यार ये लोग किया है। चलो डैमेज तो दे रहे हैं यहाँ पे, खतरनाक डैमेज दे रहा है। एक बंदा गया, ब्लास्टोइस यार पूरा गेम ब्लास्टोइस डिफ दिया है। यहाँ पे देखो एप्सोल को निकाले, एप्सोल भी मरा, अब देखते हैं अगर करने पाएंगे। और ये देखो ये बंदा पीछे से क्या डैमेज दे रहा है, और ये अल्ट भी दे दिया सार पूरा यार, ये लोग स्कोर एकदम नहीं करने दिया, देख रहे हो क्या ही डिफेंड किया है ये लोग अपना मेन वाला बेस को। लेकिन मेरा 100 बहुत होना चाहिए। यहाँ पे अल्ट चलाएंगे फिर से, और अल्ट चलाए और फिर 3 बंदा है यहाँ पे, हमको लगता है क्लिफियाबल के सपोर्ट से जिंदा है हम, डेरे दे दो। यहाँ पे निकाल ली और लगता है मेरा कहानी खत्म, एट लास्ट अब हम मर गए। अब लगता है मेरा टाइमर तो बहुत ज़्यादा है और ये लोग सरेंडर भी कर दिया। तो चलो एंड स्क्रीन देखते हैं क्या हालत है। इस गेम में मैं 13 किल्स किया हूँ, 11 असिस्ट और 116 के का डैमेज, क्या ही डैमेज निकला है, लगभग 40% डैमेज मेरा ही आया हुआ है। तो गाइस तुम लोगों को कैसा लगा डेलफोक्स का गेम प्ले बताओ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।